हम नित्यानंद जी के साथ हम जा रहे हैं हेलो गंगा स्नान के लिए। तो आप ये देख सकते हैं नित्यानंद जी, स्वामी नित्यानंद जी, और ये चौबे जी हमारे मेरे साथ हैं। अरे नाम भूल, कौन से चौबे बोले थे? कपिल चौबे। कपिल चौबे, कपिल चौबे ललितपुर। हाँ ललितपुर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पीछे रहो ना, धीरे आओ, धीरे। अरे धीरे आओ, आ जाओ, चलो चलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक शाही स्नान करने का मुझे मौका मिलने वाला है, और जब सुबह मैंने स्नान कर लिया था, पर दोबारा फिर स्वामी नित्यानंद जी के साथ मैं हो सका तो मैं स्नान करना चाहूंगा। और चौबे जी आप बताइए, कपिल चौबे जी। हाँ मैं कह रहा हूँ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको ये महसूस हो रहा है कि जो हमारे कई पूर्व जन्मों के कर्म जो यहाँ संतों और ऋषि मुनियों की यहाँ इस भूमि पे, पावन भूमि पे जो हमको यहाँ चलने का आज अवसर प्राप्त हो रहा है, और इस महाकुंभ में जो हम हरिद्वार पधारे हैं, ये सब उसकी कृपा है, और उस ऊपर वाले की कृपा से जो हम यहाँ पे आए हैं ऋषि मुनियों की इस रथ में आज हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो और जो आज हम गंगा स्नान बनाने वाले हैं, गंगा स्नान बना लिया है, तो इसमें हमारे बड़े भाग्य हैं, और इस कृपा को हम कुछ कह नहीं सकते, बहुत अनमोल और बहुत रसामृत है इसको हम। और इसके बारे में ऐसे कोरोना, ऐसे लॉकडाउन में जो यहाँ पे आए हैं, और जो हमारे माता पिता के पुण्य और हमारे दादा दादी के पुण्य, माता पिता के पुण्य जो यहाँ पे आज भाग जागृत हुए हैं हम लोगों के, तो वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आ गए, तो हम लोग बड़े अपने आप को हम कुछ कह नहीं पा रहे, कितने बड़े भाग्यशाली हैं, कितने बड़े भाग्यशाली, कितने बड़े भाग्यशाली, इसका कोई मोल नहीं हम लगा सकते हैं। और हमको इस बात का बड़ा गर्व है कि आज जो महापुरुषों और ऋषि मुनियों के साथ में हमें चलने का अवसर प्राप्त, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस पे श्री जी की कृपा बनी रहेगी, और प्रभु जी श्री जी चाहेंगे तो वो क्या से क्या कर सकता है और कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, यही मेरी मनोकामना है। और गंगा मैया सबके लिए रोग मुक्त रखें, और गंगा मैया सबको धन धान की वृद्धि दें, और यही मेरी मनोकामना है। और ये ऋषि मुनियों का आशीर्वाद रहे, और अच्छे सत्कर्म हों, और ईर्ष्या मोह लोभ त्याग कर इंसान काम क्रोध छोड़कर और अच्छे सतमर्ग मार्ग की ओर आगे बढ़े, हमें यही कामना करते हैं। विधाता बोलिए हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। हाँ ये देख रहे हैं कि जूना अखाड़े और जितने भी अखाड़े हैं सारे यहीं से जा रहे हैं। हाँ। और मेरे मतलब परम भाग्य कहूँगा मैं, इतने अच्छा कर्म तो लगता नहीं कि किया है, पर पता नहीं शायद किसी की कृपा हो गई है मेरे ऊपर कि इतने महान संतों और ऋषि मुनियों के साथ मैं जा रहा हूँ, मिल रहा है उनके साथ, उनके संपर्क में आने का मौका मिला है। और माँ हमारी माँ मनसा देवी मैया हैं, वहाँ चंडी देवी माँ विराजमान हैं, और इधर मनसा देवी और बाबा के इधर दर्शन हैं, सीधा बाबा भोलेनाथ के इधर दर्शन हैं, और यहाँ मनसा देवी माँ विराजमान हैं,
और हरिद्वार की माँ पति पावनी माँ गंगा हर की पौड़ी पहुँच चुके हैं। हर की पौड़ी अभी नहीं पहुँचे हैं, अभी नहीं पहुँचे, थोड़ा सा रास्ता और मतलब सामने है ना, सामने है हर की पौड़ी, यहाँ से अभी दूर है, यहाँ से आधा किलोमीटर का गिर्द है अभी, इस पुल को पार करना पड़ेगा। तो ये हमारे परम भाग्य हैं कि जो हमें मौका मिला, पावनी माँ गंगा जो मतलब ये समझ लीजिए यहाँ बह रही हैं, जो यहाँ पे बह रही है उनके ऊपर से हम गुजर रहे हैं, उनके ऊपर से हम चल रहे हैं, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे साक्षात वैकुंठ में हम चले गए हों, उसके उपासना उस रस को हम इतना अनुभव, उस सहानुभूति को इतना अनुभव कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में कोई कृतार्थ और अपने जीवन में कोई कह नहीं सकता। मैं अपने जीवन को आज बड़ा धन्य मान रहा हूँ और मैं अपने जीवन को आज भी बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, और यही हमारी कृपा है कि गंगा मैया सबके लिए, और जो हमारे इस देश में कोरोना महामारी फैली हुई है तो उस कोरोना महामारी का भी अंत हो और आपस में प्रेम बना रहे और सब स्वस्थ रहें और सब अच्छा, रोग मुक्त हों। मोबाइल रिचार्ज करने का है कुछ कम वहीं पर मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, कहाँ पे मैं देख लेंगे, वहाँ नहीं तो वहाँ आश्रम में हो जाएगा, इधर नहीं है। हाँ तो ये करना पड़ेगा इंतजाम के मोबाइल अभी शूट कर पाऊंगा बाद में। हाँ और माता मनसा देवी में, और इधर हमें बड़ा सौभाग्य अपने आप में आज ऐसे ऋषि मुनियों के साथ में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 2021 इधर से हाँ 12 अप्रैल 2021 जो हम यहाँ से माँ गंगा की ऊपर से चल रहे, आज हम अपने ऊपर अपने अपने भाग्य को अपने उसको कह नहीं सकते, इतना रस इतनी अनुभव इतना हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, कितना रस में है। ये देख सकते हैं कि लोग पहाड़ों पर से खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि उनको देखने का भी मुश्किल हो जाता है, आप देख भी नहीं सकते। हाँ रास्ते में खड़े होने देते हैं, 3-4 किलोमीटर पहाड़ है इतना दूर, तो पहाड़ों से लोग देख रहे हैं, अपने छतों पे घर के छत पे चढ़ के देख रहे हैं, पौड़ी पे हम जा रहे हैं अखाड़ों के साथ, ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे। पर जहाँ चाह हुआ रहा आज था कि मैं उनके साथ होना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ हर की पौड़ी में इस टाइम पे, अब भगवान ने मेरी सुन ली, संतों के आशीर्वाद से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, गुरु कृपा और संतों का आशीर्वाद। और इसमें खास तरह बोलूंगा स्वामी नित्यानंद जी, देखिए आगे जा रहे हैं स्वामी नित्यानंद जी जा रहे हैं, और हमारे नित्य गोपाल दास महाराज थोड़ा सा आगे से ले लेंगे, मणिराम छावनी, अभी तो हमारे है टाइम, तो ये देख सकते हैं आप, इधर देख सकते हैं आप, तो ये इधर देख सकते हैं महास्नान, देख सकते आप महादेव है, ये देखिए आप महास्नान झूम के देखिए, महास्नान है चल चल मिस हो जाएंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इधर से इधर बाबा इधर गाँव के बीच में घुसना था यार, किधर किधर चलो नहीं पाएंगे तो वो उधर निकल गए ना, तो नगाँव कहाँ जाना है, उनके पास जाना है तो बोलो जाना है ना, चलो आ जा आ जा, पर वो लोग उधर है, यहाँ बंद तो नहीं है, बंद तो नहीं है, बंद तो गड़बड़ जगह देख लो, सुरक्षा बल नहीं बंद हो तो चलो चलो चलो, एक मिनट जाओ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।